योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। योग शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा से है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। योग लगभग 10,000 साल पुराना भारतीय दर्शन है, जिसका उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी एवं सरस्वती सभ्यता के जीवाश्म अवशेष प्राचीन भारत में योग की उपस्थिति का प्रमाण है। यहाँ पर योग और समाधि को प्रदर्शित करती हुई मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। योग पद्धति का सूत्रधार महर्षि पतंजलि को माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही योग के सूत्रों का संकलन योग दर्शन के रूप में किया। योग एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है। योग सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन है। भारतीय उपनिषद में बताया गया है कि शरीर माध्य खलु धर्म साधना, अर्थात शरीर सभी कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर की रक्षा और इसे स्वस्थ रखना मनुष्य का कर्तव्य है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक विकास के लिए मन पर नियंत्रण की प्रेरणा देता है। योग के मुख्य 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग एक धर्म नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिकता और बुद्धिमता का स्रोत है, जो सभी धर्मों का जड़ है। योग धार्मिक सीमाओं के बंधन को दूर करके एकता का मार्ग दिखाता है, जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि योग कसरत का एक रूप है, जिसमें शरीर के अंगों को खींचना और मोड़ना शामिल है, लेकिन योग सिर्फ कसरत से कहीं अधिक है। योग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पथ के माध्यम से जीवन जीने की एक कला है। मन शरीर संबंध को संतुलित करके प्रकृति से जुड़ने के लिए योग सबसे अनुकूल विधि है। विद्यार्थियों को तो योग जरूर करना चाहिए, इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की और आत्मविश्वास को बढ़ाने की शक्ति मिलती है। आइए जानते हैं विद्यार्थियों के योग अनुभव। आज मैं योगा पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। योगा के माध्यम से मैंने सीखा कि कैसे हम घर बैठे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ मेंटल पीस को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें पॉजिटिविटी प्रदान करता है, जिससे हमें विपरीत हालातों में भी हार ना मानने की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार। जीवन के हर क्षेत्र में एक नवीन स्तर की संतुलन और क्षमता का विकास करना ही योग है। यह पंक्ति तब सार्थक सिद्ध हुई जब मैंने अपने जीवन में योग अपनाया और उससे न केवल मानसिक अशांति और आलस को दूर किया, अपितु साथ के साथ सकारात्मक सोच, दिमाग की एकाग्रता, विचार और तथ्यों को समझने की क्षमता एवं विनम्रता और सहनशीलता का विकास किया। योग से कार्य करने में दृढ़ता आती है और एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है, और हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए हम सभी को
जीवन के नए आयाम को खोजने के लिए योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है तनावपूर्ण, व्यस्त और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। विश्व भर में लगभग 2 अरब से भी अधिक लोग योगाभ्यास करते हैं। योग एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास है, जिसे करना आसान है और कुछ गंभीर समस्याओं जैसे कि मोटापा, अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग, मानसिक तनाव व अवसाद से छुटकारा पाने में मदद करता है, जो आज की जीवन शैली में आम बात है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए निश्चित तौर पर योग वरदान के रूप में साबित हुआ है। मूलतः योग का सिद्धांत भारत में उत्पन्न हुआ और आज विश्व भर में योग के प्रति जागरूकता लाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के सुझाव के बाद प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आज 7वें योग दिवस के दिन हम भी दैनिक जीवन में योग को अपनाकर अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति करें। एक सुकून का एहसास पूरे दिन भर रह जाए, जैसे खिलती सुबहों की लाली पूरे दिन भर रह जाए। दे सबको ये उमंग, दे सबको ये तरंग, वो तो है योगा। आधार जीवन का योग, रग रग में बसा है योग, संसार को बदले योग, हम सब करेंगे योग, मिलकर करें हम लोग, हम सब करेंगे योग, हाँ मिलकर करें हम लोग।